नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गाड़ी स्टार्ट की एक और नई वीडियो में। तो गाइस आज की वीडियो में यार मैं बात करने वाला हूँ अभी हाल ही में लॉन्च हुई पल्सर N250 और पल्सर F250 के बारे में। और गाइस इस वीडियो में मैं आपके साथ इस बाइक के डिटेल स्पेसिफिकेशन के बारे में और क्या ये बाइक पल्सर NS200 से वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, तो गाइस आज वीडियो में मैं आपसे इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करने वाला हूँ। तो गाइस अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो गाइस आप बिना आपका समय गवाए वीडियो करते हैं जल्दी से शुरू। तो गाइस फाइनली बजाज ने अपनी पल्सर 250 सीरीज को लॉन्च कर दिया है और यहाँ पर जो ये बाइक है वो दो वेरिएंट में अवेलेबल होगी। सबसे पहली पल्सर N250, इसका जो एक्सट्रीम प्राइस रहेगा वो रहेगा 1,38,000 और जो सेकंड वेरिएंट है इस बाइक का पल्सर F250 और इसका जो एक्सट्रीम प्राइस है वो रहने वाला है 1,40,000 का। और जो ये बाइक है वो गाइस दो कलर में अवेलेबल है और लुक गाइस काफ़ी अच्छी है और किसी को इस बाइक का लुक काफ़ी पसंद आया और बहुत सारे लोगों को इस बाइक का डिज़ाइन है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो वैसे आपकी क्या राय इस बाइक के डिज़ाइन के ऊपर वो प्लीज़ आप हमारे साथ कमेंट में शेयर कीजिएगा। और बात करें इस बाइक के इंजन के बारे में तो गाइस ये बाइक आती है 249cc सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक 2-वाल्व ऑयल कूल्ड इंजन के साथ और गाइस ये इंजन प्रोड्यूस करता है 24.5 पीएस की मैक्सिमम पावर वो भी 8750 आरपीएम पे और 21.5 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क वो भी 6500 आरपीएम पे। और गाइस कहने का तो हमें पल्सर NS200 में भी यार सेम पावर मिल रही है जो कि 24.5 पीएस की है, बट गाइस यहां पर जो फर्क है वो ये है कि जो पल्सर NS200 है उसमें जो 24.5 पीएस की पावर है वो गाइस अनलॉक होती है 9750 आरपीएम पे और यहाँ पर जो ये पावर है हमें थोड़ी पहले ही अनलॉक हो जाती है। और गैस इसके अलावा जो पल्सर 250 का इंजन है उसमें टॉर्क भी काफ़ी ज़्यादा है। तो गैस इन टर्म्स ऑफ पावर और परफॉर्मेंस के मामले में जो ये वाली बाइक है हमारी वो काफ़ी ज़्यादा आ गया है पल्सर NS200 से। और इसके अलावा गैस आपको इस नई बाइक में 5-स्पीड मैनुअल गेयरबॉक्स देखने को मिलता है जो कि गैस पल्सर NS200 में 6-स्पीड गेयरबॉक्स है। और बात करें इस बाइक के लुक्स के बारे में तो गाइस यहाँ पर आपको इस बाइक में फ्रंट में गाइस बाईफंक्शनल एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प यूनिट देखने को मिलती है और गाइस प्रोजेक्टर के साथ में आपको बूमरैंग शेप के एलईडी पोजीशन लैंप भी देखने को मिल जाते हैं। और गाइस इससे यार इस बाइक का लुक काफी एग्रेसिव आता है और कहीं ना कहीं जो बाइक है यार M1015 से जो इसकी लुक्स है वो यार मैच खाती है। और गाइस आपकी क्या राय इस बारे में वो प्लीज आप हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। और गाइस बात करें इस बाइक के रेयर की तो इस बार रेयर में गाइस आपको बिल्कुल एक नए डिजाइन की हुई एलईडी टेल लाइट देखने को मिल जाती है। और गाइस बात करें इस बाइक के सस्पेंशन के बारे में तो इस बाइक में गाइस आपको फ्रंट में देखने को मिलते हैं टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन और आपको रियर में देखने को मिलते हैं नाइट्रोक्स मोनोशॉक सस्पेंशन। और जो इस बाइक के रियर सस्पेंशन है उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है और इन सस्पेंशनों भी गाइस काफी नए तरीके से इस बार डिजाइन किया गया ताकि आपको काफी स्मूथ और कंफर्टेबल राइड मिल सके। और बात करें बाइक के ब्रेक और टायर साइज के बारे में तो गाइस यहां पर इस बाइक की सेफ्टी को मेंटेन रखते हुए इस बाइक में आपको सिंगल चैनल ABS देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको इस बाइक के फ्रंट में 300mm के फ्रंट डिस्क ब्रेक देखने को मिलेंगे और आपको रियर में 230mm के रियर डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएंगे। बात करें टायर साइज की तो आपको इस बाइक में फ्रंट और रियर में 17 इंचेस के व्हील देखने को मिल जाएंगे। जो फ्रंट व्हील की विड्थ रहने वाली वो है गाइस 100mm की और जो रियर व्हील की विड्थ रहेगी वो है गाइस 130mm की। और कुछ सेम इसी तरह के व्हील गाइस हमें पल्सर NS200 में भी देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर आपको 14 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है। और बात करें इस बाइक की गाइस कर्व वेट की तो गाइस जो पल्सर F250 है उसका जो कर्व वेट है वो है 164 kg का और जो पल्सर N250 है उसका जो कर्व वेट रहने वाला है वो है गाइस 162 kg का। और जो बाकी के डिमेंशन है वो आप अपने स्क्रीन के ऊपर अभी देख रहे होंगे। और इस बार गाइस जो बजाज वालों ने सबसे बढ़िया काम किया कि इस बाइक के अंदर उन्होंने यार जो व्हाइट कलर के अलॉय व्हील है ना वो नहीं दिए और शायद अगर वो होते तो इस बाइक की जो लुक्स है वो यार और भी ज्यादा बेकार हो जाती। बट जो यहाँ पर 5-स्पोक्स अलॉय व्हील दिए यार उससे इस बाइक का लुक यार काफी अच्छा आ रहा है। और बात करें गाइस इस बाइक के कुछ की फीचर्स के बारे में तो यहाँ पर आपको इस बाइक में USB चार्जिंग देखने को मिल जाती है, डिजिटल प्लस एनालॉग आपको कंसोल देखने को मिलेगा जिसके अंदर आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर, डिस्टेंस टू इम्प और ऐसे और फीचर आपको इस कंसोल के अंदर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा ड्राइवर की सेफ्टी को एनहांस करने के लिए आपको इस बाइक में सिंगल चैनल ABS भी देखने को मिल जाएगा।
तो गाइस फाइनली अगर ये बात करूँ कि पल्सर NS200 क्यों अच्छी है पल्सर 250 से या पल्सर 250 क्यों अच्छी है पल्सर NS200 से, तो गाइस यहाँ पर आपको पल्सर 250 में काफी एडवांस फीचर देखने को मिलते हैं, जैसे गाइस असिस्टेंट स्लीपर क्लच हो गया, आपको न्यूली डिजाइन कंसोल इस बाइक में देखने को मिलता है, इसके अलावा आपको इस बाइक में बाई फंक्शनल हेडलैम्प यूनिट भी देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर जो पावर और परफॉर्मेंस है पल्सर 250 को काफी ज्यादा एज कम्पेयर टू पल्सर NS200 से। और इसके अलावा बात करूँ पल्सर NS200 की, तो यह जो पल्सर NS200 है वो आपको 7 से 8 हजार सस्ती मिलती है इस नई पल्सर 250 से। इसके अलावा जो यह डिजाइन है वो मेरे को सीरियसली पल्सर NS200 का काफी अच्छा लगा। और गाइस डिजाइन के बारे में आपकी क्या राय है वो प्लीज आप हमारे साथ कमेंट में शेयर कीजिएगा, और आपको इन दोनों में से कौन सी बाइक सबसे बढ़िया लगी वो भी आप हमारे साथ इस वीडियो के कमेंट में शेयर कीजिएगा। तो गाइस कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो प्लीज हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा, और गाइस ऐसी और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके अलावा गाइस आपको पल्सर NS200 बढ़िया लगी या ये वाली बाइक बढ़िया लगी, आपको ये वाली चीजें मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करनी है। तो गाइस बहुत ही जल्द मिलेंगे आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, आपका दिन शुभ रहे।